जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ मनीषा तिवारी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसेस पाए जा रहे, इन्हीं सब मामलों को देखते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दूं कि दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश भर में ही, बल्कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के केसेस पाए जा रहे, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार रफ्तार जो है केसेस में वो बढ़ रहे हैं, और इन्हीं सब मामलों को देखते हुए यहाँ पर होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस शमशेरी के खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने वाले इन सब मामलों को लेकर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर जो चुनाव प्रचार के लिए आचार संहिता जारी कर दी गई है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जनहित याचिका जारी की गई है, इन सब मामलों को लेकर एक निर्देश दिए गए हैं, जिस तरीके से कठोर निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पे सावधानी भी बरती जाएगी। वहीं इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे में जो जनहित याचिका जो जारी की गई है, इन सब मामलों को लेकर चुनाव स्थगित करने का कोई आधार ही नहीं बनता है। वेल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 5,928 नए मामले पाए गए हैं और 30 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केसेस की बात करें तो यहाँ पर जो एक्टिव केसेस है अभी इस वक्त वो है 27,509। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 1,188 नए मामले पाए गए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। वेल, इन सब मामलों को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया के ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।